नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और आज हमारे साथ विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए जो शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल वाहिद जी, वाहिद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मानवेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वर्तमान परिस्थिति में चल रहे राजनीतिक द्वंद्व की। जी हाँ, द्वंद्व इसलिए कि सत्ता पक्ष अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई है कि वही एकमात्र सरकार आई है आजादी के बाद जो विकास की बात कर रही है और सबसे निचले तबके तक विकास पहुंचाने के लिए कार्यरत है, जबकि विपक्ष वाले ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आज की मोदी सरकार जो है वो देश में अराजकता फैला रही है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, कुल मिला के हर ओर दलित अत्याचार वगैरह वगैरह चल रहा है। हकीकत क्या है इस पर नजर डालेंगे। एक हमारे सामने अब्दुल वाहिद साहब ने एक स्टोरी लिखा था, क्यों होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत, जैसा कि मोदी जी पिछले 3-4 साल से अपने भाषणों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं इस शब्द का। तो हम शुरू करेंगे वाहिद साहब से ही कि वाहिद साहब, अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रहा है सबसे पहले तो उस पर नजर डालें, क्या आप मानते हैं? असल में इस वक्त जो राजनीति है इसको हम बोलते हैं अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इन द सेंस के अगर हम तेलंगाना को छोड़ दें, वहां एक क्षेत्रीय दल ने जीत दर्ज की है। जी जी, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS KCR की, और मिजोरम को छोड़ दें तो नेशनल पॉलिटिक्स जो है हमारी, उस पर जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो वो पड़ेगा मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और उसके अलावा छत्तीसगढ़ का। जी, ये जो रुझान आया है छत्तीसगढ़ को भी अगर हम थोड़ा सा अलग करके देखें तो मध्य प्रदेश में या राजस्थान में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई है। इसके अलावा आप मिजोरम की भी बात कर सकते हैं कि मिजोरम में कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, तो मिजोरम में बिल्कुल कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है। असल में हमें एक लिमिट तय करनी होगी, एक सीमा रेखा। इतना आक्रामक था विपक्ष, राहुल गांधी ने पूरा डेरा डाले हुए थे, उधर से योगी आदित्यनाथ की भी बहुत सारी रैलियां हुई। इस पूरे जो है 5 राज्यों के चुनाव में जो समाचारों में चीजें आ रही हैं कि लगभग 68 रैलियां सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने की हैं। जी जी, उधर अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बने हुए थे तो राहुल गांधी ने भी मंदिरों में जाके जो है अपने आप को साबित करना कि मैं जनेऊधारी पंडित हूं, ये सब, तो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जनता कंफ्यूज थी कि अगर वो दो लोग बुरे हैं तो उनमें से किस कम बुरे को हम चुने। तो ये भी एक जो है, पर अब देखना ये है कि उसमें आगे जो है, तो अभी जो है कुछ दिनों की बात है, तो अभी हमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति है अभी। हाँ, तो अभी हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। तो किसी हद तक लगता है कि जो कांग्रेस ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि जनता का मोदी सरकार से मोह भंग हो गया है, तो इन चुनावों में खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो हम देखते हैं तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोह भंग हुआ है भाजपा का जनता से। एक वर्ग था किसानों का, था कुछ और लोग थे, तबे कुचले लोग समाज का, खासतौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय है तो उसका एक था अपना, लेकिन हम ये कहें कि जनता का मोह भंग हो गया है तो ऐसा नहीं है। जी जी, तो आप लोगों ने सुना वाहिद साहब के वक्तव्य, मानवेंद्र जी क्या कहेंगे आप? वाहिद साहब ने नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से भाजपा को खासकर तीनों राज्यों में हार देखना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से कमबैक किया है इससे लगता है कि कांग्रेस की जमीनी हकीकत अलग है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हुए हैं। और आप ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने सचेत नहीं कर दिया, कांग्रेस भी कार्य किया है और इसने 60 सालों में देश में काफी बदलाव आया है, और ऐसे में अगर वो कमबैक करती है तो कांग्रेस बार बार कमबैक की है। नहीं, वो बात तो है कि जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती है तो वो वापस आने के लिए वही सारे हथकंडे अपनाते हैं जिसके विरोध में वो समझ रही होती है कि इसी कारण से हम सत्ता से बाहर गए थे। नहीं देखिए, जब आप विरोध में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको विरोध की चरित्र अपनाना पड़ता है और ऐसा लगता है, लेकिन कांग्रेस इस देश की जमीन से जुड़ी हुई है और कांग्रेस निश्चित तौर पर आजादी के पहले से
और 1884 से कार्य किया है, सबसे पुरानी पार्टी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से कांग्रेस आप मुक्त कर दें, जैसा कि आप बार बार कहते हैं लोग कि इतने पॉइंट्स हैं कि कांग्रेस को मुक्त हो जाना चाहिए। और बीजेपी ने अपना, बीजेपी भी केवल अपने एक धुरी बनाने के लिए, अपने सत्ता में आने के लिए कुछ ऐसे अपने लाने थे उन्हें आंदोलन, जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं अभी ये बाहर है, और उससे एक आंदोलन बन जाए और उनके सत्ता माना आसान हो जाए। अब 46 सीट आया हम लोकसभा में, उसके बाद भी अगर आप तीन राज्यों में फिर अगर चुनाव हो तो फिर कमबैक इतनी जल्दी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस से मोह भंग नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक फेज था और वो फेज लौट रहा है, वापस धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल संक्रांति काल है, उसको संक्रांति काल कहते हैं। राहुल गांधी का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप जिस प्रकार से उनके आपके खासकर आप उनके शारीरिक क्षमता को देख सकते हैं, और आपको लग रहा था पहले तीन राज्यों के चुनाव के पहले लग रहा था कि मोदी बहुत पावरफुल है, इनको हराया नहीं जा सकता, लेकिन अब सारे भाषणों में राहुल आगे निकलते हैं। और अभी लोकसभा में भी जब वक्तव्य हुआ कल भी बोला था उन्होंने, परसों भी भाषण दिया था, तो कहीं ना कहीं आक्रामक दिखते हैं। और उससे पहले जब आज से 2-3 महीना पहले एक झप्पी वाला भाषण हुआ था, उसके बाद से ज्यादा आक्रामक दिखते हैं वो। कुछ लोग उनके आंख मारने पे भी आलोचना कर रहे हैं, फिर से कल उन्होंने आंख मारी, दो दो बार आंख मारी, क्या वो आंख मारने का क्या लॉजिक है? और देखिए, अगर ऐसा कुछ भारतीय राजनीति में ही सबको बहुत छूटा दिया जाता है कि आप आंख मार लिए हो और जीत के आ गए हो, इसके कारण नहीं जीत के आए हो। इसी तरह जब आप भाषण देते हैं उसका बड़ा एक रूप होता है। अगर लोकसभा में दे रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव को सरकार ले आई थी, अगर वो बीजेपी नहीं लाती अविश्वास प्रस्ताव, तो आज इतनी बड़ी जीत भी नहीं हो सकती थी कांग्रेस की। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी को मौका मिल गया और राहुल गांधी ने उसका पूरा फायदा उठाया। आंख मारना एक छोटा सा रूप था कि उन्होंने कुछ अपने नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न्यूज तो बने, रोज रोज क्या न्यूज बनाएगा कि रोज राहुल गांधी ने राफेल के बारे में बोला नहीं, लेकिन इसका निगेटिव असर पड़ता है। अगर आप कहें कि आप जब गंभीर राजनीति करते हैं तो ऐसे में आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी, याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने एक शुरुआत की थी कि चुनाव का जब प्रचार खत्म हुआ था तो चुनाव प्रचार करने के बाद वो सीधा फिल्म देखने चले गए थे थिएटर में, और उसी को अपना के राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल ही नहीं, भारतीय राजनीति में रहा है पहले से भी। हाँ, नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद हो, थोड़ा रिलैक्स के लिए कोई सिनेमा देख रहा है, और जब टीवी दिखाता भी है आपको बार बार कि जैसे अडवाणी जी सिनेमा के शौकीन है, तो अब 2 दिन है इलेक्शन का रिजल्ट आने में, तो क्या कर रहे होंगे, तो मूवी देख रहे होंगे, कोई न्यूज क्या रहेगा, तो चलो अडवाणी जी का मूवी देख रहे हैं, तो उसको अगर कोई अगर नए राजनीति उसको पकड़ता है, नीतीश कुमार भी सिनेमा देखने चले जाते क्या करेगा 2 दिन। अच्छा, अभी जो इसके अलावा जो राफेल मामले में और उसके उलट आप अगस्ता मामला, दोनों आमने सामने चल रहे हैं पक्ष और विपक्ष का। राफेल मामले में जो कल कुछ हुआ संसद के अंदर, क्या मानते हैं बीजेपी ने अपना जवाब रखकर जनता को समझाने में कामयाबी हासिल की है? देखिए, एक बार अगर आपका नेगेटिव संदेश चला गया मार्केट में तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको समझा पाए। कांग्रेस की अगर हार हुई है 46 सीटें लोकसभा में आए तो इसका कारण यही था। आप अगर एक बार आरोप लग गया आप पर कि आप ये उसने किया है, चाहे रेल मंत्रालय में हुआ है चाहे दूसरे मंत्रालय में हुआ है, अब उसको पॉजिटिव में लाने में बहुत मुश्किल लगता है। आप लाख जवाब देंगे उसको फिर संदेश पहुंचाएंगे, नेगेटिव बहुत तेजी से फैलता है, और उसमें कांग्रेस सफल हुई है। मतलब सीधा मोदी पर आरोप लगाकर निकल गए हैं, अब उसको पाक साफ करना, अगर मोदी इसमें सफल होते हैं तो ये बहुत बड़ी राजनीति जीत होगी। आरोप यूं ही लगा देना और तथ्य के साथ लगाना, दोनों में अंतर है ना कि आप सरकार लगा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार जवाब देने में देर कर गई और वो बार बार छिपा, लोग जवाब तो शुरू से देते हैं। नहीं, जवाब आपको देना था विधानसभा चुनाव के पहले, आप उस समय बोलिए कि नहीं हमारे पैक्ट है हम नहीं दे सकते हैं, आप 1.5 घंटे की भाषण आज दे रहे हैं, अब उस समय अगर 1.5 घंटे की भाषण अविश्वास प्रस्ताव में अरुण जेटली दिलवा देते तो आज दूसरा रूप होता। आप वो भागते हुए फिरते राहुल गांधी, आज वो नहीं भागते फिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संदेश पहुंचा दिया है कि उन्होंने किया है और अब जवाब दे रहे हैं। वो फोर्स में इसीलिए फंसे थे कि राजीव गांधी बार में बार बार डेली बयान अपने बदल रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, वो फोर्स अच्छा है डील खराब है, अब यहाँ भी यही होगा, राफेल अच्छा है उसने बोल दिया राहुल गांधी राफेल अच्छा है डील खराब है। अब इस तरह से मसले अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता में थोड़ी सी है ही है गुस्सा है थोड़े, क्योंकि जो वादे किए गए थे शायद वो पूरे नहीं होते, होते भी नहीं पूरे,
और जहां तक किस वादे की बात करने लगी, मतलब लोकसभा में जो चुनाव में किए गए थे, जैसे जैसे कि आप रोजगार आपको इतने मिलेंगे, आपके पॉकेट में इतने पैसे आएंगे। नहीं किसानों के, देखिए हम लोग एज ए जर्नलिस्ट अगर बात करें, हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। हमने भी भाषण सुना था जो कहते हैं 15 लाख रुपए हर किसी के पॉकेट में आएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं कहा था मोदी जी ने। अगर एज ए जर्नलिस्ट हम लोग बात करें तो आप उनके एजेंडे को भी नहीं ले सकते, क्योंकि पहला फेज होने के बाद उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किया था कांग्रेस बीजेपी ने, और घोषणा पत्र में भी ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ था कि 15 लाख रुपए मौजूदा जो है। मेरा ये है मानना, जी जी थोड़ा सा इंटरफेयर के लिए मैं माफी के साथ, जी जी मेरा ये है मानना कि कहीं ना कहीं बीजेपी से जो चूक हुई है, इस वक्त बीजेपी के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो कुछ है बना हुआ है, उसमें दो धड़े हो। एक धड़ा तो वो है कि जो जैसे नारा दिया था मोदी जी ने शुरू में कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अगर हम मोदी जी का देखें जब से वो आए हैं मई 2014 के बाद से और अब तक, उस बंदे ने एक गुजरात को लेके या और बहुत सारी चीजों के लेके एक परसेप्शन बनाया जाता है, एक धारणा कि भाई ये आदमी ये है, ये आदमी ये आदमी है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसे हिंदुत्व का एक तरह से औरंगजेब बना दिया मोदी को, विलम्ब हो गया जी। लेकिन वो आदमी उस तरह का काम नहीं कर रहा था, उनकी पॉलिटिक्स सबका साथ सबका विकास ही थी, पहले भी था और आज भी वो दिख रहा है, आज भी है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप आया जिसकी बात मैंने की कि योगी आदित्यनाथ की इतनी सारी रैलियां किस लिए हो रही है, सवाल ये है कि आप जनता की जो मूल समस्याएं हैं, तो क्या कहीं ऐसा हो रहा है भाजपा के अंदर, इस पे भाजपा के लोगों को, जो लोग बड़े बड़े उनके कूटनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, उनको मंथन करना चाहिए इस पर कि क्या भाजपा के अंदर दो दो ग्रुप हैं, दो दो ध्रुव हैं, कि एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात की जाएगी जो आपके मैनिफेस्टो में है, और दूसरा ग्रुप आपको उसी उग्र हिंदुत्ववाद की ओर लेकर के जाएगा। तो जब जब आप उग्र हिंदुत्ववाद की ओर लेकर जाएंगे तो आपको भारत के बारे में ये चीज पढ़नी चाहिए, जिन्होंने प्राचीन इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा है, कि यहां धर्म प्रधान देश है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबके अंदर एक बंधुत्व की भावना है। बिल्कुल आप एक पर्टिकुलर भावना को उग्र बना के आप कुछ कर नहीं सकते, और बुलंदशहर ने इस बात को साबित किया है, बुलंदशहर घटना ने। तो ये जो चीज है, भाजपा को नुकसान कांग्रेस नहीं पहुंचाने जा रही है, भाजपा को उसका वो उदारवादी चेहरा जिसको ढकने की कोशिश कर रहा है ग्रुप, वो नुकसान पहुंचाने जा रही है। और अब देखना ये होगा कि मोदी जी उस उग्र ग्रुप को शांत किस तरह से कैसे शांत करते हैं, या उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के लिए वो है। लेकिन जो उग्र जो लोग हैं, उग्र ग्रुप वाले हैं, उनका तो ये कहना है कि विकास के नाम पर आप सत्ता में नहीं आ सकते। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि विकास के नाम पर आप सत्ता में नहीं आ सकते। अगर विकास के नाम पर आप सत्ता में नहीं आ सकते तो कांग्रेस पार्टी जो आई है, ठीक है कम अंकों से ही सही, बहुत कम डिफरेंस से ही सही, लेकिन उसने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में धूल चढ़ाई भाजपा को, कैसे चढ़ाई, उसने किसानों का मुद्दा उठाया, उसने उसका मुद्दा उठाया। आप यूपी में जाइए देखिए, बहुत सारे शहरों में, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एक मिनट, गायों की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि वो इनको स्कूलों में, सरकारी जो है चिकित्सालय, सरकारी विद्यालय, उनके अंदर गायों को ले जा रहे हैं और बांध रहे जानवरों को। किसानों का ये बोलना है कि हम क्या 24 घंटे अपने खेतों की रखवाली जो है जानवरों से बचाएं, क्योंकि हम बो रहे हैं, फसल है जो भी है, वो लोग आते हैं जानवर और उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। आपको इसका पहले, आप क्या है कि सपोज पहले एक नारा है प्लास्टिक बैन करो, आप उसका सब्सिट्यूट क्या लाए? तो जब तक आप सब्सिट्यूट नहीं लाएंगे उस चीज को आप मार्केट से बाहर नहीं कर सकते। तो सिर्फ गौ रक्षा के सिर्फ नारे देना, उसके लिए आपने कितने जो है मतलब कितने ऐसी जगहें आपने बनाई कि नहीं यहाँ पे गाय रखी जाएंगी उनको संरक्षित करने के लिए, जिसकी बात हाँ जी। तो योगी आदित्यनाथ ने गौशाला के नाम पे, इसके नाम पे सिर्फ राजनीति की है, और ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मोदी जी को फेल करना चाहते हैं, उनको नाकाम करना चाहते हैं। और भाजपा के अंदर जो एक परिवर्तन आ रही है, भाजपा के बारे में मैंने देखा है कि बड़े बड़े समाचार पत्रों में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी या अमित शाह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जैसा बनने की ओर अग्रसर है, जो सबको साथ लेकर के चलेगी। तो क्या मोदी जी के उस सपने को एक ऐसा समूह चकनाचूर
मतलब उसको तोड़ना चाहता है, बिखेरना चाहता है, क्या है? तो इसके ऊपर भाजपा के जो चिंतन है, चिंतक जो है, मंडली जो है, उनको चिंतन, और मार्गदर्शक मंडली को जो उन्होंने अपने प्रधान कार्यालय में बेसमेंट में बिठाया है, कृपया भाजपा के लोग उसको ऊपर लाए जो है, लेकिन बातचीत कुछ भी हो, लेकिन जो लगता है अभी जो कम से कम तीन राज्यों में जो हुआ है उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है बीजेपी वालों ने भी करवाया होगा, और उसमें कहीं ना कहीं ये इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा करता है काम, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो 15 साल बहुत होता है। आप देखिए इवन गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी 15 साल तक रहे, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही था कि राहुल गांधी गए और 80 से ज्यादा सीटें आ गईं, बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं वहां का जो पटेल समुदाय था या जो व्यापारी जो थे, तो लोगों के अंदर ये था कि भाजपा हमारी बातें क्यों नहीं मान रही है, हम आपको वोट पे वोट दे रहे हैं 15 साल से दिए आपको सपोर्ट सपोर्ट, ये लो ये लो ये लो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये बात बताने में जो बात जी 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 तो उस बात में दम है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये बात लोगों को बताने में कामयाब रहे कि भाई साहब ये भले ही नारा लगाती हो गवर्नमेंट ऐसा ऐसा, लेकिन वो करती उल्टा है उल्टा। और तो ये इसको जो है मोदी सरकार को टैकल करना है इस इशू को। कुल मिलाकर मोदी सरकार अपने बचाव में कि वो जो कर रही है, चाहे विकास कर कार्य हो या उसका प्रचार नहीं कर पा रही है, या नहीं नहीं जो उसमें एक मिनट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने अब की है 2019 में 9 वर्ष के उसमें, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साल पहले से करते होते, आप मीडिया शाही क्यों है, आप मीडिया से बचना किस लिए चाहते हैं? तो ये जो है कहीं ना कहीं इस बात की वो पहले भी किया था, नहीं नहीं, नहीं वो सिर्फ मन की बात और उससे चलने वाला नहीं है, मोदी जी को एग्रेसिव बनना पड़ेगा, 2014 वाला मोदी बनना पड़ेगा, वापस 2014 जी 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 बिल्कुल आपको होगा जी 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 तो वापस 2014 का मोदी दिखाना, और आपको ये जो अल्पसंख्यकों के अंदर दलितों के अंदर ये सब है, आप उनको बड़े पैमाने पर टिकट दीजिए, भले ही वो जीते या न जीते, लेकिन आप दीजिए ताकि ये जो है, लेकिन आपको अभी दलितों की बात लोगों ने जो बनाया अंदर खाने की रिपोर्ट जो आई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हार का कारण ही है SC ST एक्ट को, बिल्कुल इसको प्रचारित किया गया बड़े पैमाने पर, और इसमें मोदी जी की नहीं, ये वो जो वहां का स्थानीय नेतृत्व है उसका बहुत बड़ा हाथ है, शिवराज सिंह चौहान की कई सारी बातों से साफ साफ गया उससे कि SC ST एक्ट हम नहीं हटाएंगे, सवर्ण समुदाय पहले से बोल रहा था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन शिवराज चौहान जी नहीं माने। तो जब आप तुष्टिकरण की, वही मैंने बोला जैसे कि कांग्रेस की वो नीतियां जिससे कांग्रेस आज परेशान है, आप उन्हीं नीतियों को आप दोबारा पुनर्जीवित कर रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं, तो आप हर्ष वही होगा, तो आप जो है कांग्रेस की कांग्रेस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कांग्रेस जो है खुद को बीजेपी जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों पाला पलट रहा है। राहुल गांधी हिंदुत्व विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, और जो 400 करोड़ विकास विकास के लेकिन विकास पर वोट आसानी से नहीं मिलता जी, विरोध विकास पर अगर वोट मिल रहा होता तो दिल्ली में जितना विकास शीला दीक्षित ने किया, निष्पक्षता से जर्नलिस्ट हम लोग कह सकते हैं कि जितना विकास शीला दीक्षित ने किया उतना विकास शायद किसी स्टेट में किसी और ने किया होगा, और उनका बुरा हाल हुआ था इलेक्शन में, कांग्रेस को मतलब 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी कांग्रेस, नहीं तो उसमें विकास ही नहीं, मैंने बोला था कि इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, अगर किसी की 15 साल से गवर्नमेंट है तो पब्लिक के अंदर एक ऑलरेडी जो है एक चीज पनपती है कि यार बहुत हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, और ये कहावत है बहुत बड़ी है कि देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड चेंज, तो हम लोगों को कांग्रेस हार गई थी, जैसे आपने गुटबाजी दो गुट उग्रवादी और जैसे आपने बीजेपी में बना दिया है, वैसे ही कांग्रेस में भी था, मध्य प्रदेश में 5 गुट था, और अब उन गुटों को बड़े कमलनाथ बड़े तरीके से प्रशासनिक रूप से अपने आप में मान लिया, और इस ढंग से दिग्विजय सिंह को अपने कमान में ले लिए, और ज्योतिराज सिंधे को बोल नहीं पा रहा था, और यही कारण था जब एकजुट हुए तो आराम से जीत गए। बात जब आती है 2014 में मोदी की, तो 2014 का मोदी वो था जब शुरू उसने किया था कांग्रेस मुक्त भारत होना,
और कांग्रेस मुक्त भारत क्यों होना चाहिए उसके पीछे जो तर्क दिया करते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी मुक्त नहीं चाहता, कांग्रेस के सांसदों से मुक्त नहीं चाहता, कांग्रेस की जो विचारधारा है पुरानी विचारधारा उससे समाज असल में प्रचारित नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से, ये कांग्रेस ने अपनाया जी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के गया कि मैंने बीजेपी से विरोध नहीं, बीजेपी की विचारधारा से विरोध है। ये अगर प्रचारित हो जाता कि कांग्रेस का मतलब विचारधारा से विरोध है तो निश्चित तौर पर अभी भी जिस प्रकार से बीजेपी का बढ़ रहा था और ये अब कहा जा रहा है कि नहीं आप गलत साबित हुए, ये नहीं कहा जाता। ये इसने राहुल गांधी ने बड़ी परिपक्वता से उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें कोई भाजपा मुक्त नहीं चाहिए, भाजपा विचारधारा से मुक्त चाहिए। उन चीजों को जो छूने गया इस बात नहीं तो जैसा आपको याद होगा उसमें अर्नब रॉय के साथ जो इंटरव्यू हुआ था से 3-4-5 महीने पहले नरेंद्र मोदी को का, तो उस समय मोदी ने साफ कहा था, मोदी से ये सवाल पूछा गया था कि आप जो कांग्रेस मुक्त भारत कह रहे हैं ये क्या है, तो उस समय स्पष्ट कर दिया था मोदी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत, बल्कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो देश में रिश्वतखोरी है पहले से चल रहा है, जो परिवारवाद है, जो पहले काफी नहीं, लोकतंत्र का पहला फीचर है भ्रष्टाचार। जापान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, कहीं भी हो, लोकतंत्र का पहला फीचर है भ्रष्टाचार। जापान में देखेंगे हर एक 2-3 साल के बाद प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और बाहर हो जाता है। तो आप भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सकते लोकतंत्र को, क्योंकि जब जैसे आपको पद मिलेगा तो मानवेंद्र बैठा नहीं रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ उपाय करेगा, भाई साहब भी करेंगे। लेकिन इसी को पनपने में हो सकता है कि हम भाई साहब थोड़ा सा वो नॉर्मल भी अपना लें, जिस प्रकार से समाजवादी और लेफ्ट जितनी पार्टियां हैं लॉयल रजन नहीं कर पाती है उतना, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं बैठी रहेगी, कोई एक पक्ष रहता है वो भ्रष्टाचार को अपना कर ही आपको पार पा जाएगा। बिल्कुल, तो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। वो कांग्रेस की नीति नहीं है कि आप भ्रष्टाचार उसके अंदर है, वो लोकतंत्र का पहला फीचर है कि आपको भ्रष्टाचार होना ही है। तो कुल मिला के जैसे कि अभी मोदी जी कह रहे थे कि जितने भी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और वो सब इकट्ठा हो रहे हैं महागठबंधन के नाम पे, तो ये सभी किस तरीके से क्या राजनीति वर्चस्व सब चाहता है, सब लोग की राजनीति वर्चस्व बता, वो भी तो लोग इकट्ठा किए थे, वो सारे सब भ्रष्ट मुक्त थे क्या? उनके पास भी 24 दल थे, सब पर आरोप लगा, उनके अध्यक्ष पर आरोप लगा है, छोड़ दीजिए दूसरे को, उनके अध्यक्ष या उनके साथ मंत्रिमंडल में अब साबित नहीं हो रहे थे तो आरोप लगा तो उनको उन्होंने तुरंत ही इस्तीफा दिला दिया था, सब कुछ हुआ था। लेकिन आपके यहाँ जो मंत्री थे बैठे हुए, चाहे पुराने यूपीए गवर्नमेंट में 36 मंत्री पे आरोप लगे और सिर्फ आरोप लगे, कई लोग जेल भी गए जी, कांग्रेस भी इस्तीफा दिलाती थी और राजनाथ कहते थे कि एनडीए के मंत्री इस्तीफा नहीं देते, वहां भी आरोप लगे थे, इन्होंने कहा इस्तीफा दिला दिया। आज भी आप देखिए कि चाहे आपके पुराने वित्त मंत्री साहब हो, आप सीए की रिपोर्ट आने नहीं देंगे, कैसे आरोप लगेंगे उसको, तो आप दाब देंगे, आप ग्रोथ रेट है उसका दूसरा मानदंड कर देंगे, कैसे आरोप लगने की बात है जब आपके कई सारे मंत्रियों पर आरोप लगे, चाहे आपके सहयोगी दल के हो गए वो जेल में भी रह के आए, आपके खुद के एक कलमारी जी जो थे वो भी जेल में भरे हुए थे, जेल जाने से पहले तक आपने उनसे इस्तीफा, येदियुरप्पा साहब थे, आप उनको कर्नाटक में आगे कर दिए, उनका भी तो आरोप था। अब वो अब बाद की बात है, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात जब यूपीए गवर्नमेंट की बात है, उस समय जितने भी मंत्री आपके थे जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप था, आपने किसी से भी इस्तीफा नहीं लिया और लास्ट तक दिखाया। पीछे मोदी साहब ने ये भी कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार में इतने सारे भ्रष्टाचार हुए जो अनगिनत है, आज भी खुल के आ रहे हैं, धीरे धीरे आज भी नाम खुल के आ रहा है, और इन सब के बावजूद भी मनमोहन सिंह पे किसी ने उंगली नहीं उठाया। क्या वाकई में मनमोहन सिंह ईमानदार हैं या फिर वो रेनकोट पहन के और स्नान कर रहे हैं? शब्द का मनमोहन सिंह ने इस भारतीय अर्थव्यवस्था को इतने ऊपर ले गए हैं कि शायद ही कोई प्रधानमंत्री इतना ऊपर ले जाए। उस समय प्रधानमंत्री वो बने थे जब यहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ खाली हो चुका था, जब वो वित्त मंत्री बने थे उनके पास, वो वित्त मंत्री बनने के लिए तो नहीं आए थे, भारतीय राजनीति के राजनेता बड़े बड़े, उनको लग गया कि अब भारतीय राजनीति को या भारतीय अर्थव्यवस्था को उबालने वाला कोई है तो ये मनमोहन ही उबाल सकता है, नहीं तो अर्थव्यवस्था आपकी डूब गई थी। आज छोटे छोटे मोबाइल न्यूज देख रहे हैं आप, ढेर सारे चैनल्स देख रहे हैं निजी का, इस सारा कुछ अर्थव्यवस्था को पूरी नींव खड़ी करने में मनमोहन सिंह का योगदान तो कोई नहीं निकाल सकता,
कोई भारतीय प्रधानमंत्री इतना अच्छा अर्थव्यवस्था को लग रहा था। आपको बता दें, हम आपको बता दें संसद की बात, जब उन्होंने कहा कि आप टेलीफोन कीजिएगा यूएस और पैसा वहां आपको बेटा आपका भेजेगा, आप यहां से फोन करेंगे तो आप बाप का पैसा नहीं लगेगा, वहां जो आपका बेटा बैठा हुआ है वो पैसे देगा, तो पूरे संसद में हंगामा हो गया कि मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं, कौन ऐसा हो गया, कौन करेगा पैसा लेगा। दूसरे सत्र में उन्होंने दिखा दिया कि इतना करोड़ों रुपया आया है आपके पास। और जब कंप्यूटर आया था, भोंपू भोंपू करके राजीव गांधी का विरोध हुआ, उनका विरोध हुआ, लेकिन उन सबों में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी उन्होंने लाया और बड़ी तेजी से काम किए और उस सारे चीज लाया। नहीं, दूसरे बार आप जब आइए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री, ये पूरे वित्त मंत्री का था, जब वो प्रधानमंत्री बने तब वहां पर नव उदारवाद लाए। नहीं, निश्चित तौर पर नव उदारवाद जब लाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के काम हो गए जिसमें छोटे छोटे मंत्रियों पर अंकुश नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो राजनेता नहीं थे। अब है कि वहां कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, सोनिया गांधी थी और भी जो उनके आसपास थे, वो लोग भी उन पर आरोप में नहीं अंकुश लगा पाए, जिससे धीरे धीरे भ्रष्टाचार पूरी तरह से ऊपर आ गया। और छोटे छोटे भ्रष्टाचार संरक्षण देते रहे ना वो। आप अगर कहते हैं, उससे थोड़ा सा और आगे चलिए, आप उन दिनों की बात कीजिए जब देश के 40% लोगों के पास गैस सिलेंडर था, सिर्फ 40% लोगों के पास गैस सिलेंडर था, और उस समय मनमोहन सरकार, आप जिसकी उदारवादी नीति की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात है, उस समय मनमोहन सरकार ने 7 सिलेंडर और 9 सिलेंडर किया। 7 सिलेंडर साल में रहेंगे, उसके बाद हुआ नहीं, 7 में नहीं चल पा रहा है, 9 करेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, 9 में काम नहीं चलेगा, 12 देना होगा, नहीं तो हम फाड़ देंगे, चीर देंगे, ठीक है ना। तो ये 7 सिलेंडर 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर वाले उदार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, जब ऐसे तो आप उदार अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, वो 12 सिलेंडर में अटके हुए थे जबकि देश के 40% लोगों के पास सिलेंडर था, और आज 95% लोगों के पास गैस सिलेंडर है। और आप 50 सिलेंडर लीजिए कि 100 सिलेंडर लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कौन बड़े उदारवादी अर्थशास्त्री हैं? जब आप कैसे उदारवादी अर्थशास्त्री हैं जो 12 सिलेंडर आप अपने घर में नहीं दे सकते गरीब लोगों? जब आप चेंज करते हैं, जब किसी को चेंज क्या इस ऐसी तो कौन सी उदारवादी नीति है खाना बनाने के लिए 12 सिलेंडर में ही अटक गए, नहीं दे पाए। और दूसरा, एक साधारण गाँव का पढ़ा हुआ आदमी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है और वो 100 सिलेंडर 100 लोगों को देता है, आप 40 लोगों को भी 12 सिलेंडर नहीं दे पा रहे थे, और उसी में आपका अर्थशास्त्र दिख गया था। उसी में आप कौन किस अर्थशास्त्री की बात कर रहे हैं? आपको याद होगा जब आप कह रहे हैं कि वित्त मंत्री थे वो और उन्होंने नीति लाया, जी नहीं, उस समय नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने उनको खेलने दिया तब वो उस चीज करने में सफल हुए थे, जिसे आपके कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के जो लोग थे, जब उनका देहांत हुआ नरसिम्हा राव जी का, तो उन्हें आप कांग्रेस दफ्तर में नहीं लाने दिए। क्या आपकी कांग्रेस को अपने परिवार में सिमट के रख दिए? जो आप कहते हैं आजादी, जिसने आजादी दिलाया, कितने लोग हैं जो सत्ता में आए, कितने लोग थे जो सुख, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा? आप सिर्फ नेहरू गांधी पे लटका दिए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और उनके परिवार को आपने कोई पद दिया हो, या उन्होंने सत्ता का सुख भोगा हो, या उनका, उनके नाम का आपने प्रचार किया हो? कहीं नहीं दिखा। इतने साल हो गए आप कहते हैं हम दलितों के नायक हैं, आपने अंबेडकर जी को सम्मान देने में लेट लगाया, आपने उनको भारत रत्न नहीं देने दिया, आपने अपने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, राजीव गांधी की बात में कर रहा हूं, उनको आपने भारत रत्न दे दिया, जिन पर आज पंजाब के लोग कह रहे हैं कि वो हत्यारा थे, उन्होंने 84 का दंगा करवाया, आप मोदी पे भी ये आरोप लगाते हैं, तो उनको आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में आपने देरी की, नहीं दिया। तो ये सारी बातें आती है। आप अगर आजादी की बात करते हैं तो आजादी के नायक का क्या हर्ष है वो सभी जानते हैं। आज उन सभी नायकों को जो दबे कुचले थे उनको ऊपर उठा के, जिनका नाम कोई नहीं जानता है, उन सभी नायकों को सम्मान दिया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। आपने देखा पीछे अंडमान निकोबार में एक प्रोग्राम हुआ था
जिसमें कई सारे द्वीपों का नाम शहीदों के नाम पे रखा गया। एक द्वीप का नाम उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा और भी कई द्वीप का नाम उन्होंने अलग अलग तरीके से रखा। तो आप कांग्रेस के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं वो उदारवादी, वो तो परिवारवादी उसको आप कह सकते हैं कि हमेशा से वो परिवारवादी रहे हैं। देखिए वो आप वो अलग राजनीति है उनकी कि अगर वो अगर परिवारवादी ना हो तो उनको सत्ता माने थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए वो एक परिवार की ओर लॉयल है ताकि एक जगह झगड़ा ना हो, गुट ना बने और बेहतर रूप से वो सत्ता में आ सके। और इसीलिए गुटबंदी से बचने के लिए मतलब एक मुखौटा खड़ा कर दिया राहुल गांधी और उसके चारों तरफ जो है अलग अलग लोग रह गए और वो सत्ता का मार खाने रहे, इसलिए ये है। तो आप वहीं पे हम चलते हैं फिर से वापस कि आजादी में क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी भागीदारी रही थी, असल जो वो कहते हैं कि भाई आजादी में बीजेपी का या किसी और दल का कोई कुत्ता भी नहीं है। ऐसा है कि कुछ बातें होती हैं कहने की, जहां तक इतिहास का मामला है तो हमें बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सोचना चाहिए। इतिहास सिर्फ सबक लेने के लिए होता है न, हम इतिहास को बदल सकते हैं। जो चीज इतिहास में हो गई वो है जी, जो फैक्ट है वो है, तो उसको आप बदलना चाहें। अभी बात चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के नाम से रखी बहुत सारी चीजों के नाम जी। भाजपा के अंदर भी ये द्वंद्व चल रहा है। योगी जी ने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, बनारस का नाम कांग्रेस के जमाने में ही बदला गया था, वाराणसी हुआ उसका नाम, वो एक अलग बात है कि आज भी लोग बनारस बोलते हैं उसको। नहीं, नाम जो तो बदलने का तो, प्रचलन बहुत दिनों तो, से है, तो, आज भी बहुत सारा है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम रखा है। समस्या नाम बदलना और ये सब नहीं है। भाजपा को जो असल चैलेंज मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि जब पहली सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, जब बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर आप वहां से लेके और मोदी सरकार तक को भी देखें, एक चीज की जो भाजपा को सीखनी चाहिए वो चीज ये है कि आप हर चीज जल्दबाजी में क्यों करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो भाजपा से पूछा जाना चाहिए, आपको हमेशा जल्दी किस लिए रहती है? ऐसा नहीं कि नोटबंदी कांग्रेस के उसका नहीं था, आधार नहीं था। ये सारे जितने मोदी जी ने काम किए, नोटबंदी, आधार, बड़े नोट निकालना, आधार को अनिवार्य करना, जीएसटी लागू करना, उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया है। ये सब कांग्रेस की जितनी गवर्नमेंट थी उनकी प्लानिंग में था, लेकिन वो धीरे धीरे वन बाय स्टेप बाय स्टेप वो उसको 10-20 साल तक खींचना चाह रहे थे। हमें कई बार देश की जो असल परिस्थितियां हैं उनको भी देखना पड़ता है। मोदी जी को किस चीज का था डर कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में सारे फैसले लिए? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप एक शख्सियत को, एक व्यक्ति विशेष को, जो कांग्रेस की जिसकी बात हुई परिवारवाद, अगर आप एक व्यक्ति विशेष को बहुत ज्यादा बना देंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, और बड़े बड़े सीनियर दिग्गज लोग भाजपा के जब आप उनको मार्गदर्शक में मंडल में डाल के साइडलाइन करेंगे, तो फिर यही दिन देखना पड़ता है। तो ये जो है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो लोग चिंतन करने वाले लोग हैं, जो लोग मनन करने वाले लोग हैं भाजपा के अंदर, उनको इस पर मंथन करना चाहिए कि आपकी सबसे बड़ी फेलियर ये है कि आपको ये विश्वास क्यों नहीं रहता है कि आप 5 साल ही नहीं, उसके आगे भी कॉन्टिन्यू करेंगे। नहीं, वो तो आप जो है, आप इस विश्वास को खोते क्यों है, जबकि आप एकमात्र ऐसी संस्था है विश्व की सबसे बड़ी जिसका कैडर है गांव गांव में है, देहात देहात में है। आपको कांग्रेस जैसे कैडर जो है दूसरे पार्टियों से तोड़ने की, यहां वहां लेने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर तो दो ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी एक विचारधारा है, या तो कम्युनिस्ट हैं या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की है विचारधारा अपनी। अब आप सोचिए कि मोहन भागवत ने उसी वक्त नरेंद्र मोदी को चर्चा से बाहर कर दिया जब उन्होंने दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में आरएसएस के उस चिंतन के अंदर ये बात कही कि हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते। प्रणब मुखर्जी को जब आप अपने स्टेज पर बुलाकर लाए, तो कहीं ना कहीं जो है ये डर जो है समझ में नहीं आता है कि लोग इस पर चिंतन क्यों नहीं करते हैं। मैं रियली बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, चाहे विदेशों से संबंध सुधारने की बात हो। आप देखिए, भारत पाकिस्तान संबंध सबसे अच्छे कब थे? जब अटल बिहारी वाजपेयी है, जब कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी सरकारें आई, उस वक्त भारत की विदेश नीति बहुत बढ़िया रही है। आज देखिए आप, बांग्लादेश से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं,
पहली दफा हुआ था मोदी के शासनकाल में कि पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन होने वाला था 2016 में, नहीं हो पाया। क्यों? आपने अफगानिस्तान जैसे देश को अपने में मिला दिया था सारे लोग। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विदेश नीति, आप सोचिए कि मोदी को एक आवरण बनाया गया, मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम देशों से, अरब देशों से सबसे अच्छे संबंध अगर किसी गवर्नमेंट के रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट के रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो नहीं, पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने की कोशिश की थी, पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने की कोशिश की थी। लाहौर यात्रा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और कांग्रेस पार्टी वहां पे वही सॉफ्ट हिंदुत्व वाला लेके आ गई। कांग्रेस पार्टी को तो उस कदम का स्वागत करना चाहिए था कि मोदी जी हम चाहते थे कि वार्ता का दौर शुरू हो, आप लाहौर गए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया। बिल्कुल, तो आप वहां पे जैसे, तो उस वक्त भी मोदी जी एग्रेसिव नजर नहीं आए। तो भाई जिस वक्त जहां जहां आपको एग्रेसिव नजर आना था वहां वहां आप खामोश हो गए, सिर्फ आप मन की बात तक रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, एक और कट्टरवाद का है और एक ये है। और कुछ स्थानीय नेता राष्ट्रवादी राष्ट्र के नेता बनने के सपने न सिर्फ संजोए हुए हैं बल्कि उसकी ओर और उन्हें बहुत सारे लोग पीछे से पुश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुल मिला के ये है कि पूरे अगर हम देखना होगा दुनिया के अंदर देखें तो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है पूरे दुनिया में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, कूटनीतिक रूप से हो, प्रयास दुनिया में भारत का नाम इन्होंने बहुत बड़े और देश में भी अगर देखें तो विकास के बहुत काम किए हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बहुत बड़े युवाओं का फौज तैयार करना हो, बहुत बहुत लोगों को इन्होंने हुनर दिया है। और बताइए हुनर योजना जैसे और भी अगर हम रेशो निकालें तो कांग्रेस के जमाने में अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोगों को बैंक्स ने लोन दिया और अब क्या हुआ, आपको रेशो बढ़ा कई गुना, कितने लोगों का क्या क्या हुआ। लेकिन क्या ये डर रहा भाजपा को, ये डर रहा जिसको भाजपा आज तक निकाल नहीं पाई है और पता नहीं कितने साल लगेंगे कि भाई आप खुल करके बात नहीं करते अब संख्यकों के मुद्दे पर, भाजपा को बात करनी चाहिए। नहीं सिर्फ जो है ट्रिपल डिवोर्स वाले मुद्दे को ही लेना ये बात नहीं है सही। आप और मुद्दे हैं मुसलमानों के, उस समाज के जो वास्तविक मुद्दे हैं, सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा, इसको भी ध्यान में रखिए अगर भाजपा करे। अब आप बताइए कि ऐसे ऐसे आंकड़े हैं, खुद एमजी अकबर ठीक है उनपे एक आरोप लगा, जैसा लगा सही है गलत है क्या है वो केस अदालत में है, लेकिन उस बंदे ने खुद बोला था कि 10% वोट मुस्लिम्स का गया है, वरना मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में भाजपा अगर जीती है, देवबंद में जीती है, हाँ क्या मुस्लिम सपोर्ट के बगैर क्या इन क्षेत्रों से जीत सुनिश्चित कर सकती है कोई भी पार्टी। बिल्कुल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ रही थी मोदी सरकार की शीर्ष की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो उन एलिमेंट्स को चिन्हित करना और उनको देखना कि भाई तो ये जो है भाजपा के अंदर के लोगों का ही है, चिंतन करना होगा भाजपा को। और कुल मिला के मोदी को वापस 2014 के पहले वाला मोदी बन के दिखाना होगा जी। ये निष्कर्ष है कि मोदी को सबसे पहले तो वापस 2014 के पहले वाले जो मोदी दिखते थे उस पर आना होगा। दुनिया में इन्होंने डंका बजाया, देश में भी वही डंका इनको बजाना होगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमेशा विदेश में रहते थे, अब इनको देश के अंदर काम करना होगा, देश में दिखाना होगा। काम बहुत हुआ है लेकिन उसका प्रचार करना होगा, लोगों को समझाना होगा जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं या उनके जो प्रचार तंत्र हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो हम मोदी का भाषण सुनते थे बड़े गौर से और उस पर अमल भी करते थे, लेकिन अब लोग ये कह के भाषण सुनना भी छोड़ देते हैं, अरे फेंकू कुछ फेंक रहा होगा पता नहीं, उबते हैं लोग, उब गए हैं उनके भाषण को सुन, ये नेचुरल है, लोग उबते जा रहे हैं, उससे भी लोगों उनको ये ऐसा कुछ करना होगा कि वो इससे लोगों को विश्वास दिला पाए कि हम जो पहले बोल रहे थे वही हो रहा है, वही हम कर रहे हैं। और जो 3 राज्यों में इन्होंने हार का सामना किया है उससे इन्हें सीखने की जरूरत है, अगर उससे ये सीखते हैं तो इनको प्लस पॉइंट मिलेगा। और जहां तक बात रही राहुल गांधी की, राहुल गांधी जैसा कि बोलते आ रहे हैं कि राफेल का मामला, आज वो बैकफुट पे दिखे, नहीं नहीं बैकफुट पे तो नहीं है, मॉरल बूस्टअप हुआ है
मनमेंद्र जी ने जो बात बोली भाई कांग्रेस पार्टी का खासतौर से मध्य प्रदेश राजस्थान राफेल मामला क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज ये है कि राफेल मामले पर जो लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये डील किसके शासनकाल में जिस वक्त साइन हुआ था कौन थे। जब ये पूरा भ्रष्टाचार आया तो एके एंटनी की बाकायदे इस चीज को भाजपा क्यों नहीं लाती है सामने। तो कुल मिला के बहस का ये निचोड़ है कि मोदी को 2014 वाला मोदी बनना पड़ेगा अगर उसे दोबारा सत्ता में आना है। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल गांधी को अचूर के आरोप लगाने से पहले उसे ये देखना होगा कि हम आरोप जो लगा रहे हैं उसका लिंक क्या है, कहां से वो आरोप है, उसका सबूत क्या है। वो कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन आपने गलत किया। कल जो उन्होंने भाषण दिया अपने भाषण में उन्होंने संसद में कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन आपने जो किया है वो गलत है। आप मैं रक्षा मंत्री पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पूर्व रक्षा मंत्री पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मोदी जी ने जो किया वो गलत किया। बिना किसी तथ्य के बिना किसी सबूत के आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने राफेल में देखिए राजनीति इसी का नाम ये जो है इसी का नाम है राजनीति इसी का नाम है। राजनीति में बहुत सारी बातें तथ्यहीन होती हैं। फिर भी आरोप लगा लेते वो फोर्स वाले मामले पे वीपी सिंह ने पूरी गलती हिला दी थी। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बने थे लेकिन बाद में कुछ अभी निकल नहीं पाया। बिल्कुल लेकिन इसके ऊपर लेकिन एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है उसमें कि अब जनता जागरूक हो रही है। जनता जागरूक हो रही है और हमारा देश एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत ही शुभ संकेत है जिसको हमें लेना चाहिए अच्छे उसमें। तो ये आज के चर्चा का जो निचोड़ है वो ये कि मोदी जी को वापस 2014 वाला मोदी बनके दिखाना होगा और राहुल गांधी को भी अगर आगे बढ़ना है तो सत्य के साथ उसे बकायदा सबूत के साथ किसी भी आरोप को लगाना चाहिए। नहीं तो आज न कल उनके जो झूठे आरोप हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे और जिस तक कदर वो झूठ का पुलिंदा लेके ऊपर बढ़ रहे हैं उस पहाड़ के गिरने के बाद वो नीचे फिर से दिखेंगे। तो उससे अगर उन्हें बचना है तो आरोप लगाने से पहले उनको अपना तथ्य बकायदा सबूत के साथ रखना होगा। भाई साहब आपने ज्वाइन किया हमें धन्यवाद। मानवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मोबाइल न्यूज 24 को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि देश और दुनिया के तमाम अपडेट से आप रह सकें अपडेट।